चटनी सो गाइस मामा बनकर हो गया है रेडी, देख सकते हैं आप, लग चुका है अफ्टर का। दीदी ने पानी में करते थे ऐसी बनाओ बहन। तो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छा हूँ। और ये मेरी बहन। हेलो गाइस, हेलो। और कुछ बोलना था? ओके सो आज हम जा रहे हैं नेपाली का एकदम फेवरेट और इंडियन का भी एकदम बहुत फेवरेट मोमो बनाने जा रहे हैं। सो आप सबको भी इजी तरीका से सिखा देंगे और जिसको आता है नहीं आता है वो भी हमारी ये वीडियो देखकर बना सकते हैं घर पे एकदम टेस्टी। ओके चलो गाइज इस तरफ इधर। और मेरी बहन है ये कात्री है। मिर्ची अभी अंधेरा दिख रहा है, एक मिनट। सो गाइज आप सब देख सकते हैं, ये देखिए ये काट रही है चिली। और ये बहन ये क्या है? मोमो मसाला। और ये हम अभी अभी खरीद कर लाए हैं। और इसके भीतर है कीमा। ये कीमा, ये है मुर्गा का कीमा जो उधर से ही बना कर है। ये है मैदा 1 kg। और ये है प्याज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑनियन। ओके बन रहा है और मैं जा रहा हूँ अब इसको क्या कहते हैं, हाँ वही। ओके सो आप सबको दिखाऊंगा। सो अब हम जा रहे हैं इसको गूंदने। यहाँ पे की बन रहा है आप देख सकते हो। और ये है मोमो मसाला और मेरी बहन जा रही है डालने इसको कीमा पे। यहाँ पे प्याज डल रहा है और भी कीमा पे। आज तो बहुत टेस्टी मोमो बनने वाला है, आप भी बना सकते हो ये देखकर। इतने क्वांटिटी में प्याज रखना गाइस, आप सब यदि घर में बनाओगे तो। और ये है हमारा चिल्ली है। स्वाद अनुसार आवश्यक अनुसार आपको जैसा लगता है उतना ही आप ऐड कर सकते हो। ओके सो गाइस यहाँ पे वो मसाला डल चुका है, देख सकते हो आप। इसमें नमक या नमक ऐड कर रहे हैं दीदी ने आवश्यक अनुसार। हाँ स्वाद अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। हो गया, अब यहाँ हो गया। आप इधर अब इधर हो रहा है लहसुन। लहसुन का पेस्ट बन रहा है एकदम ऑर्गेनिक। हाँ वही देखा। और ये एकदम ट्रेडिशनल तरीका से हम इसको कूट रहे हैं। सो गाइस अब दीदी आप स्वेटर का लगाने जा रहे हैं कीमा पे, देख सकते हो आप। लग चुका है आफ्टर का। इसको मिक्स कर रहे हैं दीदी ने पानी में। इतना मीठा स्वाद आ रहा है गाइस, आप भी बनाकर। सो गाइस अब बन गया है कीमा हमारा, बन चुका है कीमा। सो आप भी इस तरह से अपने घर में मोमो के लिए बना सकते हो कीमा। ओके सो अब हम कुछ देर बाद बनाएंगे मोमो। सो वो भी कैसे बनाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ओके सो गाइस इधर मोमो के लिए छोटे छोटे पूरी बन रहे हैं गाइस, देखिए
इधर तीन गोल गोल रोटी बन चुके हैं गाइस, यहाँ पे मोमो बन रहा है गाइस, ये है कीमा गाइस, देख सकते हो बनाया था हम सब ने मिलकर। हाँ। वही है और ये ऐसे करके आप बना सकते हो ऐसे, मैं एक बना कर दिखाऊंगा आप सबको। ओके और ये बन गया हमारा छोटे सा मामा और संग संग ये देखिए इतना बना चुके हैं। कहाँ जा रही है? इधर से इधर इधर भी अभी तक बिलन हो बिलन लगा रहे हैं और इधर है हमारा आटा। लो अब नहीं गाइस, सो गाइस यहाँ पे मामा बन चुका है। इधर भी देखो गाइस, इस तरह भी बन गया है गाइस, देख सकते हैं आप। और अब ऐसे रख देंगे और इधर आग लगाकर पकाएंगे इसमें। सो देखते रहना लास्ट तक और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। सो गाइस अब मोमो पकाने रख दिया है इस वाला, उसमें पानी रखा है और जब ये वो होगा ना उमलेगा ना तो इसका जो बाप होगा ना ऊपर जाएगा और इधर पक जाएगा। ये जो टमाटर है ना ये चटनी के लिए है, क्योंकि मामा चटनी के बिना अधूरा है ना, इसलिए ये मम्मी है। और फ्यू मिनट्स लेटर ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो गाइस इधर बन रहा है चटनी, देख सकते हो मेरी बहन बना रही है। सो गाइस हो गया है रेडी और ये मामा का वो बच गया था तो इधर बन रहा है रोटी। वो नहीं, आटा बच गया, आटा बच गया था, वही सेम था। सेम हम ले जाओ एक, तुम ले लूंगी, तुम जाओ। ओके और ये मेरा है, चलो ओके चटनी। कैसा है? अच्छा मस्त है। आँस ही निकल गया गाइस बहन का, टॉकिंग हिंदी। टेस्टी है, अभी बनाओ। आप भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो गाइस। ओके सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ खाने के लिए, इधर दिखाओ इधर इधर ये हो नहीं रहा इसलिए हाथ से करना, उनसे चटनी में डिप करना और ऊपर इसे खा लेना। मीठा है? एकदम कैसे है, घर पे बना के खा सकते हो। अब तक का सबसे टेस्टी घर पे बना हुआ। A few moments later. So guys, मैंने ख़त्म कर दिया है और ये मेरी छोटी बहन भी ख़त्म कर रही है। ऑलमोस्ट मैंने भी खाकर मेरा पेट भी भर गया है। ये इससे नहीं गुजा इसलिए मैं हाथ से ही खा लिया, हाथ से इतना टेस्टी आया है ना, इतना स्पाइसी है गाइस क्या ही बोलूं। सो गाइस आज का मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए गाइस। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।